हाय गाइस, आज की वीडियो स्पेशल है। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स। लोगों की सच में डिमांड थी क्योंकि मैं हर साल ये वीडियो बनाता हूँ। तो देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो के साथ मेरी ये इंटेंशन नहीं होती कि भाई क्या सैमसंग को नीचा दिखाया जाए या फिर आईफोन को नीचा दिखाया जाए। मेरा ये है कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा राइट फोन है। तो इस वीडियो में जो हूं ना, मैं आप लोग को फैक्ट्स बताऊंगा और फीचर्स बताऊंगा दोनों फोनों के, और लास्ट तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है। सारी बातें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो मैं डिजाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि इस साल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। देखो, हर बार मैंने नोटिस किया था कि सैमसंग के जो एस सीरीज होती है ना, आईफोन के मुकाबले हमेशा हल्की रहती है और कंफर्टेबल फील होती है। तो एक डिजाइन में कंफर्ट वाइज सैमसंग जीत रहा था हर बार, लेकिन इस साल एप्पल ने सिलेबस चेंज कर दिया है क्योंकि एप्पल ने ना आईफोन 15 प्रो मैक्स में टाइटेनियम अलॉय यूज कर लिया है ना, तो इसका वेट अब हल्का हो गया। और मैं कंपेयर कर रहा था दोनों फोन को, ये ना बहुत ज्यादा सिमिलर फील होते हैं इन हैंड वेट वाइज। तो इफ इन केस अगर आपको पहले ऐसा लगता था कि प्रो मैक्स वेरियंट आईफोन के बहुत हैवी होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते, अब ऐसा केस नहीं है। और वैसे दोनों फोन की डिजाइन लैंग्वेज देखी जाए ना, बहुत अलग है यार। जैसे कि सैमसंग S23 अल्ट्रा जो है ना, इसके कॉर्नर्स देखो, बहुत ज्यादा कर्व है, मतलब एक सिलेंड्रिकल फील है इस फोन के अंदर। जबकि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है पूरे बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है, तो इन हैंड फीलिंग दोनों की बहुत अलग है। बट पता है क्या, दोनों फोन के डिजाइन में ना एक एक बेनिफिट है। जैसे कि सैमसंग S23 अल्ट्रा में यहाँ पर ये एस पेन मिलता है, ये साइन के लिए बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, कोई पीडीएफ वगैरह साइन करना चाहो। इनफैक्ट ये जो है कुछ एयर जेस्चर्स भी सपोर्ट करता है, चाहे फिर वो पिक्चर चेंज करना क्यों ना हो, और ऑब्वियसली ड्रॉइंग तो कर ही सकते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एस पेन हर किसी के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ज्यादा डॉक्यूमेंट साइन करने हैं या फिर जो इसका यूज ले सकता है ड्रॉइंग वगैरह में भी। और आईफोन की बात करूं तो एप्पल ने रिसेंटली ना एक्शन बटन डाला है, जो कि मुझे बहुत सही लगा। जब इस फोन को सेटअप करोगे ना, ये तभी पूछता है कि आपको एक्शन बटन का क्या यूज लेना है। जैसे कि मैंने जो है अभी भी साइलेंट और रिंग मोड पे रखा हुआ है। इनफैक्ट हम ये तक सेट कर सकते हैं कि कैमरा ऑन हो और कोई पर्टिकुलर मोड भी ऑन हो जाता है कैमरे का। और ये देखो, इस एक्शन बटन में मैंने ये सेट कर रखा है कि मेरी टू डू ऐप खुल जाए, तो मतलब किसी भी तरीके से आप इस एक्शन बटन का यूज ले सकते हो। अच्छी चीज बनाई है एप्पल ने। और मैंने दोनों फोन के स्पीकर है ना, बहुत डिटेल में टेस्ट करे, मैंने अलग अलग तरीके के सॉन्ग सुने। लास्ट में मुझे ऐसा फील हुआ कि आईफोन के स्पीकर्स में थोड़ी डेप्थ ज्यादा फील होती है। एक लास्ट चीज जो आपको डिजाइन में 100% पता होना चाहिए, वो है ड्यूरेबिलिटी वाला पार्ट। देखो, फिलहाल इस आईफोन के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि इसका बैक पैनल इतना ड्यूरेबल नहीं है, तो भाई केस 100% लगा लेना। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जल्दी टूट रहा है। खैर, मैं S23 अल्ट्रा की बात करूं तो मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, काफी बार गिरा है, मुझे तो भाई फोन काफी ज्यादा ड्यूरेबल लगा है, इससे कोई शिकायत नहीं है मुझे। एक चीज की मुझे बहुत खुशी यार, मुझे सच में ऐसा फील होता था कि एप्पल पीछे है क्योंकि टाइप सी पोर्ट नहीं है इसके अंदर। इतनी सारी चीजें हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे आईफोन में, अब तो SSD भी कनेक्ट हो जाती है, बाकी डोंगल्स भी कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि सैमसंग में हर साल एडवांटेज रहता था, अब आईफोन के पास भी एडवांटेज है। अब दोनों फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अब देखो, स्पेसिफिकेशन सुना के बोर नहीं करूंगा, स्क्रीन पे लिख देता हूं। इनफैक्ट दोनों फोन की स्क्रीन साइज में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सैमसंग 6.8 इंच है तो यहां पर आईफोन 6.7 इंच है। असली डिफरेंसेस पता है क्या है? अब क्योंकि सैमसंग का जो रेजोल्यूशन है बहुत मामूली सा ज्यादा है, तो देखो वो डिस्प्ले शार्प फील होती है बहुत मामूली अमाउंट में। बट डिस्प्ले में मेन चीज पता है क्या है? आउटडोर विजिबिलिटी। मैंने दोनों फोन की डिस्प्ले ना डायरेक्ट सनलाइट में यूज करी। सैमसंग जो है 1750 निट्स के साथ आता है, जबकि आईफोन जो है 2000 निट्स पे है। बट देखो, आउटडोर विजिबिलिटी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे दोनों फोन की सेम लगी है भाई। और मैंने बहुत अलग अलग एप्स खोलकर देखी यार डायरेक्ट सनलाइट में, मुझे तो सच में अब सिमिलर ही फील हो रहा है। सेकंड चीज मैंने ये टेस्ट करी कि नेटफ्लिक्स पे HDR कंटेंट चला है दोनों फोन के अंदर, और मेरे नोटिस में आया है कि सैमसंग जो है ना कलरफुल या फिर मैं बोलूं वाइब्रेंट आउटपुट देता है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट भी फील होता है, जबकि आईफोन के जो कलर्स है ना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नेचुरल रहते हैं। अब कलर एक्यूरेसी की वजह से ना आईफोन के पास एक एडवांटेज है, मैं जब भी कोई फोटो एडिट करता हूँ ना आईफोन में, वो कलर एक्यूरेसी की वजह से ना मुझे पता होता है कि बाकियों को कैसा आउटपुट दिखेगा। सैमसंग कई के बार जो है ज्यादा कलरफुल होने की वजह से वो राइट एडिटिंग नहीं हो पाती कलर्स की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी तो सैमसंग के फोन में जो है बहुत मामूली सी कर्व डिस्प्ले बची है ना, ऐसा बताया जा रहा है कि अगले साल सैमसंग जो है फ्लैट डिस्प्ले देगा, देखते हैं भाई क्या होता है। बट हाँ, दोनों फोन के डिस्प्ले होने
ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा क्लोज है। अब मैं दोनों फोन की बैटरी के ना कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। सैमसंग जो है 45 वोल्ट पे चार्ज होता है, लेकिन आईफोन जो है मैक्सिमम 27 वोल्ट पे चार्ज हो सकता है। और चार्जिंग टाइम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आईफोन जो है टोटल 2 घंटे से ऊपर ले सकता है चार्ज होने में 100%, और सैमसंग भी जो है ना 1.5 घंटे के आसपास लेगा भाई फुल चार्ज होने में। तो लाइक आधे घंटे का डिफरेंस आप मान के चलो दोनों की चार्जिंग टाइम में। अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ ना दोनों फोन की, तो मैंने दोनों फोन में ना अपनी प्राइमरी सिम डाल के एकदम प्राइमरी फोन की तरह यूज करा हुआ, तो मुझे बैटरी बैकअप का अंदाजा है। जब भी मैंने दोनों फोन जो है ना बहुत एक्सट्रीम तरीके से यूज करे ना, कि दिन रात मैं लगा हुआ टेस्टिंग करने में, तो सैमसंग S23 अल्ट्रा में ना मुझे 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, जबकि आईफोन जो है ना सेम यूसेज में मुझे 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब मैंने अलग अलग तरीके से भी यूज किया है फोन को, मुझे ऐसा फील होता है कि स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा आईफोन में मिल जाता है। इन शॉर्ट बैटरी बैकअप ज्यादा है आईफोन का। अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई, एंड्रॉइड वर्सेस iOS। अब मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। वो अलग बात है कि मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाके देखना वो, बट एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि iOS के क्या फायदे है पहले, फिर एंड्रॉइड के बताऊंगा। देखो आईफोन का एक बेनिफिट है कि ये बहुत सालों तक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं, तो लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है एप्पल की। और एंड्रॉइड को बहुत ज्यादा यूज करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि iOS में जितनी भी एप्स होती है ना, वो मुझे लगता है कि एंड्रॉइड के मुकाबले बहुत बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज की जाती है, मतलब अच्छी चलती है। और एप्पल के पास ना एक एडवांटेज है, ये कम प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत कंसिस्टेंट रहता है, चाहे फिर वो आईपैड का देखो या फिर मैक या फिर आईफोन, तो जो सॉफ्टवेयर की जो कंसिस्टेंसी है ना, उनमें इनका अपर हैंड है। और iOS के मुकाबले एंड्रॉइड के फायदे बताओ ना, तो एंड्रॉइड क्रेजी है भाई ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन बहुत नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। एंड्रॉइड में आप पूरी UI चेंज कर सकते हो, चाहे फिर वो लॉन्चर की मदद से हो, आप एप्स को कहीं पे भी उठा के रख सकते हो, तो भाई यहाँ पर ऑप्शंस और फ्रीडम तो बहुत है। I mean एंड्रॉइड की कस्टमाइजेशन सुपीरियर है। और पर्सनली बता रहा हूँ, एंड्रॉइड का सबसे बड़ा फायदा ये है, चाहे गूगल से कोई भी APK उठा के इंस्टॉल कर लो भाई, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और प्ले स्टोर तो है ही। अब एंड्रॉइड में ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब होता क्या है, आईफोन में अगर मैं कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेसरीज कनेक्ट करता हूँ, चाहे फिर वो स्मार्ट वॉच हो, कुछ भी क्यों ना हो, काफी बार ऐसा मैंने देखा है कि आईफोन के साथ थर्ड पार्टी एक्सेसरीज की फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लिमिटेड फील होती है कुछ कुछ फंक्शनैलिटी, जबकि एंड्रॉइड के साथ कोई भी एक्सेसरी कनेक्ट करो ना, फंक्शनैलिटी पूरी मिल जाती है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको iOS ज्यादा समझ आता है या फिर एंड्रॉइड। अब दोनों फोन की ना परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये जो आईफोन है इसके अंदर A17 प्रो प्रोसेसर है, बहुत सही प्रोसेसर है भाई ये, और S23 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है। और ना मैं आपको सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर दिखाता हूं, जिसको देख के मैं शॉक हो गया था, ये गीगबेंच है। अब इसका GPU स्कोर देखो, आईफोन में 27,000 है जबकि सैमसंग में 8,000 है, ऐसा लग रहा है कि भाई इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। और अगर मैं दूसरे बेंचमार्क की बात करूं जो कि N22 है, वहां पर स्लाइटली सैमसंग बेटर है। अब यहां से आप ये समझ सकते हो कि CPU में फिर भी सिमिलैरिटीज है दोनों के अंदर, लेकिन GPU आईफोन का स्ट्रॉन्ग है, वो आपको आगे भी समझ में आएगा ये चीज की क्यों GPU बेटर है उसका। फिर इसके बाद ना और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो है स्ट्रेस टेस्ट भी रन करा दोनों फोन में। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात है ना, ये ग्राफ है आप देख रहे हो ना, इस ग्राफ के अंदर अलग अलग स्कोर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब एक गेम के सीन को 20 बार इन्होंने रन कराया और देखा कि कौन सा फोन कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। बट सैमसंग का ग्राफ देखो, वो आईफोन से ऊपर तो स्कोर्स दिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, जबकि आईफोन में एक बार स्कोर्स में ड्रॉप आया, उसके बाद कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। इससे पता लगता है कि भाई बेटर तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्मेंस आईफोन दे पाता है। वैसे फ्लिप साइड ये भी है कि जो लोग ये फोन खरीदते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि हैवी टास्क परफॉर्म ही नहीं करते, देखो उस केस में दोनों फोन जो है एक्सीलेंट तरीके से रन करेंगे, काफी सालों तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप गेमिंग करते हो, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि हैवी के फोन कैसे हैंडल करते हैं। तो मैंने दोनों फोन में ना एक हेवी गेम रन करा, जेंशन इंपैक्ट। पहले सैमसंग का बताता हूं। अब सैमसंग में क्या हुआ, इसने जेंशन इंपैक्ट चलाना स्टार्ट किया और 15-20 मिनट बाद मुझे थ्रॉटलिंग दिखने लगी, फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे इसके अंदर। और जबकि आईफोन में जब मैंने सेम गेम रन करा तो 1 घंटे तक मैंने खेला है और माइनर फ्रेम ड्रॉप्स दिख रहे थे। यहां से एक चीज क्लियर होती है, अगर आप लंबे समय तक हेवी टास्क परफॉर्म करोगे तो सैमसंग थ्रॉटल कर सकता है। और ऐसे ही सिमिलर टेस्ट मैंने बाकी गेम्स में भी किया, जैसे कि मेरा गेम रहता है रेकफेस्ट, और उस पर मैंने कुछ टेस्ट रन करे, मुझे सिमिलर रिजल्ट्स मिले कि हाँ सैमसंग कहीं ना तो कहीं फ्रेम ड्रॉप जल्दी दिखा देता है, आईफोन अच्छे से चला पाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा दोनों फोन के कैमरे के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी फोटोज खींची है और तब जज किया है कौन सा कैमरा ज्यादा बेटर है। देखो सिर्फ मेगापिक्सल्स की बात नहीं करूंगा, वो तो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं। देखो एक बात क्लियर हो चुकी है कि जितने भी महंगे फोन है ना, ये अलग अलग फोकल लेंथ की बात करते हैं, मतलब आप वो जो देखते हो ना 1x 2x 3x 5x 10x, इन सब के बारे में समझते
समझते हैं कि क्यों ये महंगे फोन्स इतनी अलग अलग जूम रेंज लेकर आते हैं, क्योंकि जो दो फोन है ना अब मेगापिक्सल पे फाइट नहीं कर रहे, ये जूम पे फाइट कर रहे हैं। मतलब कि किसका 1x बेटर है या फिर किसका 5x बेटर है, और 10x भी बहुत स्पेशल जूम रेंज बन चुकी है। सबसे पहले 1x के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्रेस होने के बाद सैमसंग की फोटो 12 मेगापिक्सल की होती है और आईफोन की 24 मेगापिक्सल की। और 12 और 24 मेगापिक्सल के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको अब समझ में आने लगेगा। अब नोटिस करने वाली बात ये है कि आईफोन की फोटो को जूम करने के बाद या फिर बिना जूम के भी ना एक नेचुरल डिटेल फील होती है उसके अंदर। और सैमसंग में पता क्या होता है, जूम करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ओवर शार्पनेस है थोड़ी बहुत। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल ये स्टोन पिलर वाली फोटो है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एप्पल ने ना एक चीज क्रैक कर रखी है, आईफोन की शटर स्पीड ना काफी फास्ट है जबकि सैमसंग की स्लो रहती है। वैसे हर किसी का तरीका ना फोटोज देखने का अलग होता है, मैं समझता हूँ, बट चलो और फोटोज दिखाता हूँ जिससे और क्लियर होगा। देखो आईफोन क्या करता है ना, वो फोटोज जो है नेचुरल खींचने की कोशिश करता है। मतलब अगर जो ब्राइट एरिया उसको ब्राइट करेगा, जो डार्क एरिया उसको डार्क करेगा, जबकि सैमसंग जो है ज्यादा ब्राइट आउटपुट निकालता है, चाहे फिर डार्क एरियाज में भी उसको हल्का सा ब्राइट करना पड़े। ये सब देखने के बाद मुझे पता क्या लगा, जैसी लाइटिंग कंडीशन बहुत सही रहती है वहां पर आईफोन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट जैसी कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पर सब्जेक्ट पे लाइट नहीं है वहां पर सैमसंग बेटर परफॉर्म कर पाता है। बट आईफोन में ना एक इरिटेटिंग प्रॉब्लम है यार, जैसे ही कोई स्ट्रीट लाइट है या फिर कोई भी हार्श लाइट है जो ग्लेयर प्रोड्यूस कर सकता है, आईफोन उस ग्लेयर को कम नहीं कर पाता जबकि सैमसंग बहुत सही तरीके से रिड्यूस कर पाता है। जैसे ही मैंने 3x पे फोटोज खींचना स्टार्ट किया, अब क्योंकि आईफोन जो है मेन लेंस में से क्रॉप करके 3x बनाता है तो वो डिजिटल जूम है तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और क्योंकि सैमसंग में डेडिकेटेड 3x लेंस है जो कि ऑप्टिकल जूम कर रहा है, तो यार वो हर एक कंडीशन में बढ़िया परफॉर्म कर पा रहा है, चाहे फिर वो डायनेमिक रेंज क्यों ना हो या इन जनरल डिटेल भी। अब थोड़ी सी और जूम रेंज को बढ़ाए तो 5x की बात करते हैं। देखो पहली बात, 5x पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं ज्यादातर टाइम पे फोटोज नहीं खींच पा रहा था, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड जो होता है काफी पीछे जाना पड़ रहा था मुझे। बट स्टिल मैंने दोनों फोन को कंपेयर किया, क्योंकि आईफोन में अब ऑप्टिकल है 5x, ये मतलब डेडिकेटेड लेंस मिलता है, तो यार नो डाउट यहां पर शार्पनेस डिटेल मतलब बेटर फील हो रही थी सैमसंग के मुकाबले, क्योंकि अब रिवर्स हो चुका है, सैमसंग जो है डिजिटल जूम कर रहा है। बट एक बात 100% कहनी पड़ेगी कि आईफोन का जो बैकग्राउंड ब्लर है 5x पे यार वो बहुत अच्छा आता है। और अब बात आती है 10x जूम की। देखो अब यहां पर फिर से सैमसंग के पास एडवांटेज यही है कि ऑप्टिकली वो जूम कर पा रहा है, लेकिन मजे की बात ये है कि आईफोन जो है ना अगर उसको अच्छी लाइट दो तो वो 10x पे फिर भी फैंटास्टिक फोटो खींच रहा है। आई मीन सैमसंग को कॉम्पिटिशन दे पा रहा है, नो डाउट सैमसंग बेटर है। इनफैक्ट सैमसंग की वही खास बात है कि जैसी चैलेंजिंग लाइटिंग आती है तब भी वो हैंडल कर जाता है, बट आईफोन को कोई बुरा नहीं बोल सकता क्योंकि वो डिजिटली अब अच्छा कर पा रहा है। और हाँ, जैसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है 10x पे आईफोन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और अब एकदम सिंपलीफाई करके बता देता हूँ, क्योंकि आईफोन मैक्सिमम 25x जूम करता है, तो मैंने दोनों से एक्सपेरिमेंट के लिए फोटो खींची, या मेरे हिसाब से यहाँ पर सैमसंग बेटर है। इनफैक्ट सैमसंग 100x तक जूम करता है। देखो जूमिंग में सैमसंग बेटर है। अब दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करते हैं। देखो एक बात कहनी पड़ेगी कि इस साल है ना एप्पल ने इतने अच्छे एल्गोरिथम बनाए हैं कि सच में नेचुरल फोटोज ही खींच पाते हैं, बहुत अच्छी डिटेल से रिटेन कर पाते हैं आईफोन्स। बट कंडीशन ये है अगर लाइटिंग जो है आईफोन के फेवर में है तो, क्योंकि जैसे ही चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जैसे कि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ब्राइट सोर्स है या फिर बहुत ब्राइट लाइट है, वहां पर सैमसंग के एल्गोरिथम बहुत ज्यादा सुपीरियर फील होते हैं क्योंकि वो सब कुछ बैलेंस आउट कर देते हैं। और ये फोटो बेस्ट एग्जांपल है जहां पर आईफोन ने जो है स्काई को ब्लो कर दिया है जबकि सैमसंग ने ब्लू कलर मेंटेन किया स्काई का। आईफोन एक जगह पे बहुत आ गया यार, जैसे ही मैं ह्यूमन शॉट्स खींचता हूं चाहे फिर उसमें पोर्ट्रेट मोड ऑन हो या फिर ना हो, आईफोन्स की जो स्किन टोन है, जो डिटेल है स्किन वगैरह की, यार वो मुझे फैंटास्टिक लगी। और अब ये फोटो देखो यार, आईफोन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बैकग्राउंड में सन को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज किया है, और अगर मैं जूम भी कर देता हूं तब भी ग्लेयर जो है आईफोन ने मेंटेन कर ली यहां पर। और मैंने तो मैक्रो फोटोग्राफी भी करी है भाई, ये भी देखो कुछ रिजल्ट्स, यहां पर मुझे ज्यादा शार्प फोकस जो है फिर से आईफोन का लगा है, इन जनरल डिटेल भी आईफोन की बेटर है। और अगर सेल्फीज की बात करूं तो देखो दोनों फोन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, सैमसंग ज्यादा प्रोसेस्ड फील होता है बट आईफोन ज्यादा नेचुरल फील होता है। और अब फाइनली वीडियोस के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है आईफोन जो है व्लॉगिंग के लिए भी यूज करते हैं, और हाँ यार उसके पीछे रीजन है क्योंकि सच में आईफोन के जो वीडियो के एल्गोरिथम है वो बहुत टाइम से बहुत अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं सेम बात बोलना चाहूंगा, जब मैंने दोनों कंपेयर किया आईफोन जो है सुपीरियर फील होता है। इनफैक्ट अब तो आईफोन में वो भी ऑप्शन आ गया है कि 4K 60fps पे हम अल्ट्रा वाइड या फिर 5x सारे जूम रेंज में शिफ्ट कर सकते हैं स्मूथली, तो ये फीचर अभी सैमसंग में नहीं है। तो हो गई भाई सारी बातें डिटेल में, अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं हमेशा एक बात बोलता आया हूँ यार, हर किसी की चॉइस अलग होती है, तो मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करने वाला। देखो सिंपल सी बात है, सैमसंग का जो प्राइस है ना वो नो डाउट बहुत अट्रैक्टिव
एक्सपेंसिव है और सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन की कैटेगरी में आएगा अगर मैं आईफोन से कंपेयर करूँ, क्योंकि आईफोन 1,60,000 का है तो आजकल सैमसंग तो यार 1,00,000 के अराउंड भी मिल जाता है, तो नो डाउट ये बेटर वैल्यू देता है। और आईफोन की बात करूँ तो इसकी स्टोरी बड़ी सिंपल सी है, अगर आपको कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है और आपको iOS पसंद है तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट फोन फिर कोई नहीं है। और अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है ना तो आई एम श्योर अभी तक आपके माइंड में आ चुका होगा कि हाँ भाई मुझे ये फोन बेटर लगा मेरे लिए। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, मुझे बहुत मजा आता है हर साल ये वीडियो बनाने में यार, और बहुत लोगों की हेल्प होती है इसलिए मैं हर बार ये बनाता हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना कि आपको कौन सा बेटर लगता है, सैमसंग या फिर आईफोन। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।